आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में इबादत कर कोरोना वायरस से निजात की दुआ मांगी। शबे बारात सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है। कोविड-19 को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबे बारात के अवसर पर सभी मस्जिदों की ओर से ऐलान कर दिया गया कि देश में लागू लॉकडाउन का पालन करते हुए आगरा के मुस्लिम समाज के लोग घरों में ही इबादत करें। इस इबादत के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से निजात और देश की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए दुआएं भी की। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है। यहाँ के आलिमों ने और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने ये मिलकर सभी इस्लाम के मानने वालों से ये अपील की कि अपने अपने घरों के अंदर वहीं पर नमाज पढ़ें, वहीं अपनी तिलावत करें। और इस्लाम के मानने वाले लोगों से मैं ख़ास करके ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सब लोग अंदर रहें, डिस्टेंस बनाकर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और आज की बहुत मकबूल रात है, इसके अंदर सब मिलकर दुआ करें हमारे देश के अंदर अमन और शांति रहे और इस कोरोना वायरस से निजात मिले। जिस तरीके से आगरा के शहर मुफ्ती और बड़े बड़े उलमाओं ने जो अपील करी थी कि आप घर पर ही रह के सारी इबादत करें, मस्जिदों में नहीं जाएं, और इसी तरीके से हम लोग सब मुसलमान भाई हम लोग मस्जिदों में ना जाकर अपने घरों में ही रह के इबादत कर रहे हैं, और सब लोग यही दुआ मांग रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, कि सब जगह ये प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग परेशान हैं। सब लोगों की दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम जाए और सब लोग लॉकडाउन खुले और सब लोग अपने अपने काम से स्टार्ट करें। पुलिस प्रशासन की अपील को मानते हुए सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही इबादत की। गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।